हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम हमारे वीडियो में करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। अब इसमें हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें से आज हम करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13, यानी कि 13 13 13 शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो ये एक्चुअली बेस जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, जिसमें सिंगल ड्रॉवर रहने वाला है और मल्टीपल ड्रॉइज रहने वाला है, यानी जो हमारे विपिन भाई साहब है वो फिक्स है, बाकी वो अलग अलग ड्रॉइज कैसे कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। अब कैसा होता है, ये रियल लाइफ है, मतलब एक जो दुकानदार होगा, सेलर होगा, वो अलग अलग बायर होंगे, उसके बहुत सारे बायर होंगे, करेक्ट ना? तो वो अलग अलग लोग से, एक किसी एक से तो ट्रांजेक्शन करेगा नहीं। तो वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज फुल फ्लेज में रियल प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो एक्चुअली में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बिपिन का जो ट्रांजेक्शन है वो सोनल के साथ में है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सोनल एक्सेप्टेंस फॉर 3 months of ₹20,000 was discount with the Bank of India at 19,750। समझ में आ रहा है, मतलब क्या जो भी सोनल का एक्सेप्टेंस था, मतलब बीपी ने ड्रॉ किया होगा, सोनल ने क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। वो बिल 3 महीने का था, उसको क्या किया है, डिस्काउंट किया है, किसे, बैंक से कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है वृंदा एक्सेप्टेंस, यानी जिसको वृंदा ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, बिपिन ने ड्रॉ किया है, 14,400 का चेक था, उस मतलब बिल था, उसको रिटायर किया है 1 month बिफोर द ड्यू डेट एंड रिबेट 12% पर एनम। अभी रिबेट निकालने का मतलब कैसा, 14,400 इंटू 12% है, 12 डिवाइड बाय 100, 1 महीना पहले रिटायर हुआ जितना मैंने पहले वो ऊपर, डिवाइड बाय टोटल मंथ। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा कितना बचा, 144 मेरा रिबेट निकल गया। करें रेखा एक्सेप्टेंस ऑफ ₹8,500 इज इंडोर्स्ड इन अ फेवर ऑफ गायत्री, यानी रेखा का एक्सेप्टेंस था, विपिन भाई साहब ने दे दिया किसको, गायत्री को दे दिया। समझ में आ रहा है। सोल्ड गुड्स टू विनय, विनय को गुड्स सोल्ड किया किसने, विपिन ने सोल्ड किया 20,000 का, लेकिन क्या, 8% ट्रेड डिस्काउंट के साथ में किया। तो 8% ट्रेड डिस्काउंट निकालने का, तो मतलब 1600 मेरा 8% हो जाएगा, और ये माइनस करने के बाद जो बचा 18,400, उसका मेरा क्या बनेगा, ट्रांजेक्ट मतलब सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, यही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैं 1600 को भूल जाऊंगी, मेरे को अभी क्या सोचना है कि मेरे को 18,400 का ही क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है। रिसीव्ड हाफ, मतलब इसका हाफ यानी कि 9,200। करे कोई गड़बड़ होगी तो बताना। 9,200 इसको पे कर रहा था भाई साहब, कौन, हमारे विनय भाई साहब। तो विपिन ने बोला 1,000 का और डिस्काउंट ले लो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, 9,200 कैश से पे कर रहे हो। करे फॉर द बैलेंस, मतलब बचा हुआ जो 9,200 था उसके लिए क्या किया, बिल बनाया और वो एक्सेप्ट किया। समझ में आ रहा है विनय ने। तो हम एक एक ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, सॉल्व करते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं। इन द बुक्स ऑफ बिपिन जर्नल एंट्री, सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री आएगी किसकी आएगी, बैंक को, बैंक से क्या किया था, डिस्काउंट किया था। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। सोनल एक्सेप्टेंस सोनल का था, 3 month के लिए किसको दिया, बिल, मतलब बिल को क्या कर रहा है, बिल जा रहा है, और डिस्काउंट किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, देखते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक का नाम आएगा, डिस्काउंट अकाउंट आएगा क्योंकि डिस्काउंट किया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट मेरा जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरा अमाउंट 19,750 पे, और एक्चुअली मेरा अमाउंट कितना है, 20,000। तो जो बचा हुआ गैप 250 वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, बिपिन के लिए लॉस है इसलिए इसने क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है। सेकेंड है हमारा, लिख लेते हैं क्वेश्चन में, वृंदास एक्सेप्टेंस ऑफ ₹14,400 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, क्या किया है वृंदा का एक्सेप्टेंस था, बंदी ने क्या कर दिया है भाई, कि पहले ही क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, यानी 1 महीना पहले ही पे कर दिया। मैंने आप लोगों को बता दिया 144 मेरा कैलकुलेट करके, 14,400 मेरा कितने मंथ के लिए पहले रिटायर, वो 1 डिवाइड बाय 12 और 12% पर एनएम के हिसाब से मेरा कितना निकला, 144 मेरा रिबेट निकला। ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट, जो कैश मिला वो, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 144 जो हमने निकाला, और बिल रिसीवेबल मेरा कितने का था, 14,400, ये जो कि रिटायर हो गया है। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
क्या है हमारा थर्ड है, रेखाज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹8,500 इज इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ गायत्री। अब क्या किया है, एंडोर्स कर दिया है हमको। देखो बोला नहीं है कि हम बिल रिसीवेबल की एंट्री करेंगे, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट की, हमको डायरेक्ट बोला रेखा का एक्सेप्टेंस था जिसको, मतलब ऑलरेडी था उसके पास, अब उसने पहले एंट्री कर ली होगी, हम लोग को जितना काम बोला है हम लोग उतना ही करेंगे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो रेखा का एक्सेप्टेंस है जो इंडोर्स किया है, तो हमको डायरेक्टली इंडोर्स की एंट्री करनी है, ठीक है। हम इंडोर्स की एंट्री करेंगे हमारे बुक में गायत्रीज अकाउंट, ठीक है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। बोला गायत्री को पे कितना करना था, 8650, 8500 का ही बिल था और 150 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, फायदा है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू विनय, करेक्ट, 8% ट्रेड डिस्काउंट पे, जिसको मैंने बता दिया मेरा 1600 माइनस करने के बाद 18,400 जो बचेगा वही मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा हो तो मैं आगे भी आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, देखते हैं यहाँ। देखो ग्रॉस प्राइस कितना था मेरा, 20,000, ठीक है। अब ये मेरा 20,000 था, अब जिसमें से मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था 8%, 1600 आया, करेक्ट। नहीं ऐसे तो निकाल लेते हैं, 20,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, करेक्ट, 8 2 16 और 00 ये कैरी हो जाएगा, समझ में आ रहा है 1600 कैसे आया, 18,400 मेरा माइनस करने के बाद अमाउंट आया। अब इसमें से हाफ मैं क्या कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ, तो हाफ ऑफ कोर्स क्रेडिट पे होगा, सोचने की बात है, उसमें क्वेश्चन में बोला नहीं है कि 18,400 जो हाफ अमाउंट आ रहा है। अब देखो कभी गलती से भी ऐसे मत करना कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस, मतलब 20,000 पे ही आप हाफ हाफ डिवाइड करना, कभी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हाफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है। तो हाफ किया कैश से पेमेंट, क्रेडिट के लिए नहीं बोला, तो वो अपने को समझने का है कि वो क्रेडिट पे दिया होगा, बोला है आगे कि वो बिल बनाया 9,200 का, तो वही मतलब हुआ, ठीक है। कैश 9,200 पे किया, जिसपे और भी 10% क्या दिया है मेरे को, डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 9,200 का, ऑफ कोर्स 10% कितना हो जाएगा 920। अब ये जो 920 है माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 8280, इतना का मैंने क्या किया, कैश पे किया है और ये मेरा कैश डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, और इतने का मेरा क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल बनेगा, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो आगे हम जनरल एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले हमको जनरल एंट्री किसकी पास करनी होगी, हमारा इसी में सब है, हमको कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं बोला, बस हमको क्या बोला है, एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे और दूसरी हम लोग क्या करेंगे, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट की एंट्री करने वाले, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल गुड्स टू विनय 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बच रहा था, 18,400, ठीक है, और फिर उसमें से हाफ क्या हो रहा है, 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 9,200 पे मेरे को 920 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, करेक्ट, और मतलब एक्चुअली में मेरा कैश पेमेंट कितना है, 8280, ठीक है, और 9,200 का नया बिल बन रहा है। तो स्टार्ट करें, देखो जब भी परचेज और सेल की एंट्री होती है, बराबर, परचेज सेल तो आता ही है, सामने वाले पार्टी का नाम आता है, तो सेलिंग की एंट्री क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, करेक्ट। एक्चुअली में सेल कितना हुआ, 18,400, मैंने बोला 20,000 को भूल जाओ, 18,400 को याद रखो, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी पे हिसाब किताब करने का, ठीक है। विनय अकाउंट डेबिट, विनय अकाउंट डेबिट क्यों विनय, 9,200 का क्रेडिट है, इसका क्या बनाएंगे हम लोग, बिल बनाएंगे। डिस्काउंट अकाउंट यानी कि कैश डिस्काउंट मैंने कितना दिया है, 920 दिया है, यानी बिपिन ने, और कैश अकाउंट डेबिट जो मैंने कैश पे किया वो 8280, राइट। सेकेंड इसकी जनरल एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल की टू विनय अकाउंट 9,200, जो मेरा इधर बकाया था उधर मेरे को बिल बना के देना है, जो मेरे को फ्यूचर में पे करना है, करेक्ट। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मयूर। अभी देखो मयूर है, ये मयूर ड्रॉवर भी हो सकता है और ड्रॉय भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बुक किसकी है, सिर्फ और सिर्फ मयूर की, तो अपने को याद रखना है कि हम लोग क्या है, मयूर है, बराबर, आप हम मयूर की तरह सोचेंगे,
पहला है विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 22,000 बाय पेइंग 12,000 इन अ कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विद द इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अभी देखो जब रिन्यू की एंट्री करने की बात आती है तो रिन्यू किया मतलब क्या किया, उसमें हमको चार एंट्री तो फिक्स है। पहला बिल को क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। दूसरा फिर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, तीसरा पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी और चौथा न्यू बिल की एंट्री आएगी, करेक्ट। तो ये फिक्स हो गया कि इसमें चार एंट्री आने वाली है, बराबर। Honored our acceptance to Ashwin of rupees 17,750 by endorsing Hari's acceptance of rupees 17,500 in full setup. अभी देखो ऐसे confused मत होना question में। Honored our acceptance मतलब क्या, अपना acceptance हमने क्या किया, honor किया, यानी कि जो मयूर है ना उनका कहीं बाकी था वहां पे उन्होंने accept, मतलब उन्होंने किसी का accept किया होगा बिल। तो ये जो अश्विन है ना, अश्विन अश्विन से बकाया था 17,750, बराबर। तो उन्होंने उसको अश्विन को हरी का एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब जो उसको पे करने वाला था मयूर को, हरी क्या करने वाला था, मयूर को पे करने वाला था 17,500। तो भाई मयूर स्मार्ट निकला, क्या किया, बोला कि तू हरी एक काम कर अश्विन को डायरेक्ट पे कर दे, बराबर ना। अभी देखो 250 का फायदा हो गया किसको, बिपिन को फायदा हो गया कि उसका 250 रुपया बच गया, उसने क्या किया बिल चिपका दिया हरी का, ठीक है। तो ये समझा, तो ये केस में क्या है, ये ड्रॉइंग है, ठीक है। प्रकाश हु एक्सेप्ट मयूर्स बिल, ठीक है। प्रकाश हु एक्सेप्ट मयूर्स बिल मतलब प्रकाश जिसने मयूर का बिल एक्सेप्ट किया है, यानी ये क्या है, ड्रॉई है। 21,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, लो भाई भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए और उससे सिर्फ 25% का क्या हो गया है, रिकवर हो पाया, ठीक है। बैंक इन्फॉर्म अस दैट, अभी देखो इस केस में भी क्या होगी, दो जनरल एंट्री आएगी। सबसे पहला जनरल एंट्री हमारा क्या आएगा, बिल को क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। और दूसरा जो रिकवर हुआ उसके बारे में लिखना है, ठीक है। बैंक इन्फॉर्म वाज दैट सेल्जा एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 32,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन डिसऑनर्ड। अभी देखो ये बहनी ने क्या किया है, जो बहन है हमारी, वो उन्होंने क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मयूर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया जो हमारा पहला वाला केस है ये वाला, इसमें चार एंट्री आने वाली, विश्वास रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 22,000, ठीक है। यानी कि क्या क्या रिन्यू कर रहा है, यानी जो मेरा 22,000 का बिल था उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, विश्वास अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट किया, कैंसिल किया, नहीं तो बिल अगर रहता है तो उसकी एंट्री क्या रहती है, बिल रिसीवेबल टू विश्वास, करें 22,000 पहला मेरा होगा ये कैंसिलेशन का एंट्री। नेक्स्ट मेरा इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, अब देखते हैं इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मेरा जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसके ऊपर ही देखते हैं। एक तो 12,000 उसने कैश पेमेंट कर दिया ना, तो बचा मेरा कितना 10,000, करेक्ट। तो 10,000 पे मेरे को क्या निकालना है, 10,000 पे मेरे को निकालना है अपना जो ये इंटरेस्ट है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000, करेक्ट, इनटू कितना था 12%, क्वेश्चन में देखिए देखो आ गया 10,000 पे ये कैश पेमेंट हो गया, बचा कितना है मेरा 10,000, दो मंथ के लिए 12%, और मंथ कितना है मेरा 2 मंथ के लिए, करेक्ट। देखते हैं हम हमारे वर्किंग में, इनटू 2 / 12, करेक्ट, 2 कैंसिल और ये, और 2 × 1 = 200, करेक्ट। तो ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। तो आओ देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, विश्वास अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, फायदा है, आने वाला है, करेक्ट। तो रिसीव होने वाला है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 200 200, और मैंने पार्ट पेमेंट किया 12,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट मैंने, यानी सॉरी रिसीव हुआ मुझे बैंक अकाउंट, यानी मयूर को रिसीव हुआ मुझे नहीं, हाँ गलत फहमी मत पालना, बैंक अकाउंट टू विश्वास अकाउंट 12,000 12,000, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब मेरा नए बिल की भी एंट्री आएगी, तो मैं नए बिल की एंट्री यहाँ कर लूंगी, बिल रिसीवेबल टू विश्वास अकाउंट
10,200, 10,200 उसने बोला है कि क्या इंटरेस्ट प्लस जो बकाया वाला अमाउंट है उसके साथ में मेरे को नया बिल बना के दो। करेक्ट, देखना है, देखते हैं। देखो विश्वास रिन्यूटीज एक्सेप्टेंस हमने कर लिया, कैंसिल कर लिया सबसे पहले 22,000 का बिल, फिर उसके बाद में 12,000 का पार्ट पेमेंट है कैश दिया, फिर हमने इंटरेस्ट की एंट्री भी कर ली। करेक्ट, और जो बैलेंस मतलब इसने बोला है कि हमको फ्रेश बिल बना के दो बैलेंस विद द इंटरेस्ट, यानी बैलेंस यानी 10,000 जो बैलेंस बचा और इंटरेस्ट यानी हमारा 200। करेक्ट, तो उसका मुझे नया बिल बना के दो। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा टू ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन ऑफ 17,750 बाय एंडोर सिंह हरीज एक्सेप्टेंस, मतलब 17,750 का बिल मेरे को पे करना था और 17,500 का बिल मैंने दिया सामने वाले को, वो भी फुल सेटलमेंट पे, यानी 250 का मेरा क्या है फायदा है। तो देखते हैं हमारा जनरल एंट्री। सबसे पहले बिल्स पेबल अकाउंट आया, क्योंकि मेरे को बिल्स पेबल अकाउंट क्या करना है, पे करना है मेरा कितना है 17,750 का। बिल रिसीवेबल मैंने सामने वाले को दिया 17,500 का, और जो अमाउंट बचा 250 वो मेरा क्या है फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि ये क्या है मेरे को 250 कम पे करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 3A। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है, प्रकाश हु एक्सेप्ट मयूर बिल, प्रकाश जो मयूर का बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसने क्या किया है डिक्लेयर हो गया है इनसॉल्वेंट, तो इसमें दो जनरल एंट्री आ गया है और बाकी क्या 25% ही रिकवर हो पाया है, और बिल कितने का है 21,000 का। तो चलो हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल को कैंसिल करेंगे, तो प्रकाश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 21,000 का मेरा बिल था। करेक्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर हम क्या करेंगे जो भी रिकवर हुआ यानी 25% 21,000 का क्या हो रहा है रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट जो रिकवर हुआ यानी कि 5,250 मेरा रिकवर हुआ, और जो नहीं रिकवर हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा बैड डेट्स हो जाएगा, जो मेरे को मिलने वाला नहीं है। टू प्रकाश अकाउंट 21,000, एक्चुअली में ट्रू प्रकाश मतलब कितने का बकाया था 21,000 का, जिसमें से मेरे को 5,250 यानी 25% ऑफ 21,000 रिसीव हो गया, और बाकी जो 75% था वो क्या हो गया बैड डेट्स हो गया, वो जो मेरे को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फुल सेटलमेंट पे, फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट कुछ भी कह लो यही है। ठीक है, फिर मेरा चौथा केस है अ बैंक इन्फॉर्म्ड, मतलब सेलजा का एक एक्सेप्टेंस था जो नोट मतलब पे दिया था बैंक को कलेक्शन के लिए, और उसके लिए बैंक ने क्या किया है नोटिंग चार्जेस पे किया, क्योंकि वो क्या हो गया है डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे सब में, देखते हैं। सेलजा अकाउंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, देखो डिसऑनर्ड होगा किसी भी केस में सेलजा अकाउंट, यानी कि हमेशा ड्रॉई का अकाउंट क्या होगा डेबिट ही होने वाला है, ये याद रखना हमेशा। कोई भी अगर बिल कैंसल हो रहा है या तो फिर डिसऑनर हो रहा है, तो आपको क्या करना है जो ड्रॉई है उसका नाम सीधे उठा के क्या करना है डेबिट में लिख देना है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, और जो भी केस है उसको क्रेडिट करना है। अब केस क्या है यहाँ पे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, अगर मतलब ड्रॉई के पास ड्रॉवर के पास ही रहता तो यहाँ पे ड्रॉई का मतलब यहाँ पे आता बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट इसलिए आया क्योंकि क्या है बैंक क्या कर रही है 275 नोटिंग चार्जेस का क्या कर रही है पे कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे इंडोर्सर रहता तो यहाँ पे इंडोर्सी का नाम आता, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल केस रहता मतलब बिल अगर उसके पास रहता तो ये बिल रिसीवेबल कहलाता। तो ये मेरी जनरल एंट्री है, क्वेश्चन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो यहाँ तक अगर आपको अब तक कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट, इफ यू इंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस।